हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरे सिने चैनल। आज मैं आपको कुछ अलग सिखाने वाला हूँ। बहुत लोगों के ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है कि उनको लैंग्वेज टाइपिंग करना होता है, जैसे कि गुजराती, हिंदी, मराठी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो उसके लिए गूगल ने एक ऐसा टूल बनाया है कि जिसके थ्रू आप ज़्यादा से आपको कुछ और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप गूगल पे से नेट पे से डाउनलोड करके उसको अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट लैंग्वेज है कि आपको जो भी लैंग्वेज में टाइप करना चाहते हो, हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, वो लैंग्वेज आप सिलेक्ट करके उस लैंग्वेज में बहुत ही ईजी तरीके से आप टाइपिंग कर सकते हो। तो उसको आपको कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करना है और उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑल आपको क्या करना होगा, गूगल पे जाके आपको टाइप करना है गूगल इनपुट टूल। यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा गूगल का, वहाँ पे आपको उसको ओपन करना है। यहाँ पे आपको ट्राई आउट में जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन है कि एंड्रॉयड के लिए चाहिए, विंडोज़ कंप्यूटर के लिए, जो भी चाहिए। हमारा पीसी के लिए चाहिए तो हम लोग डाउनलोड फॉर विंडोज़ करेंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे हर एक लैंग्वेज दिया हुआ है, पंजाबी, नेपाली, हिंदी, गुजराती, मराठी। तो हम लोग यहाँ पे हमारी मेन दो लैंग्वेज है ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, गुजराती में, गुजराती हो तो गुजराती और हिंदी सेलेक्ट करूँगा। तो और भी सारी लैंग्वेज अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आई अग्री पे क्लिक करना होगा और उसको डाउनलोड करना है। एक से 1 MB का सॉफ्टवेयर है ये। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा आपको इसको एक बार इंस्टॉल करना होगा। डाउनलोड हो चुका है, रन नाउ। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो काम करता है, ये एक्सेल में भी मैंने ट्राई नहीं किया, शायद एक्सेल में भी वर्क करेगा, इसको भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन डिज़ाइनिंग के कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं तो उसमें आप ये गूगल इनपुट टूल यूज़ नहीं कर पाओगे। ज़्यादातर हमारी रिक्वायरमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही रहते हैं। कुछ एप्लीकेशन वगैरह ऐसा टाइप करना होता है तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं लेकिन उसमें टाइपिंग बहुत टफ है। इसका टाइपिंग मेथड है ना बहुत ईजी है, इसको मैं जब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत ही ईजी रहेगा ये। ये डाउनलोड होने में थोड़ा जितना आपका डाउनलोडिंग का स्पीड रहेगा उस हिसाब से थोड़ा टाइम लगेगा। अगर इंटरनेट का स्पीड अच्छा है तो फटाफट डाउनलोड हो जाएगा, अगर इंटरनेट स्पीड अगर आप मोबाइल वगैरह से यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हम लोग तब तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल ओपन कर लेते हैं। विनवर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए शॉर्टकट है, आप रन में जाके विनवर्ड टाइप करोगे तो फास्ट आप विनवर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर पाओगे। एक्सेल को ओपन करने के लिए एक्सेल टाइप करना है। जितनी भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे उतना डाउनलोडिंग में टाइम लगेगा। देखो ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा, गुजराती आ चुका है। थोड़ा टाइम लगेगा, इंस्टॉलेशन कंप्लीट, गुजराती हिंदी भी आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके यहाँ पे मैं लैंग्वेज, हम लोग पहले मेरा नाम टाइप करता हूँ मेहुल, ये मैंने इंग्लिश में कर लिया, इसको मैं अभी गुजराती में ट्राई करूँगा। देखो ये मेहुल यहाँ पे टाइप हो चुका है, कितना इजी है। आपको वही स्पेलिंग टाइप करना जो हम लोग इंग्लिश में टाइप करते हैं उसी हिसाब से करना है। लेकिन इसका प्लस पॉइंट क्या है, जब भी हम लोग टाइप करेंगे ना तो यहाँ पे नीचे ये सारे ऑप्शन आएंगे कि आपको क्या सिलेक्ट करना है। देखो मैं टाइप करता हूँ गुजरात, तो देखो यहाँ पे गुजराती ऑटोमेटिक आ चुका है, तो मुझे पूरा गुजराती टाइप नहीं करना पड़ेगा। मैंने गुजराती क्लिक कर दिया, टाइप हो गया। मराठी और कुछ वर्ड, अमिताभ, अमित। तो ये बहुत इजी हो जाता है टाइपिंग करने के लिए। तो अभी हम लोग लैंग्वेज चेंज करते हैं, हिंदी चेंज करते हैं।
ये मेरा नाम हिंदी में टाइप करता हूँ, मेहुल रमेश। यहाँ पे देखो कितना इजी हो जाता है हमारे लिए टाइपिंग करना। तो इसी तरह से आप अपना कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट करके आप वर्ड एक्सेल में टाइप कर सकते हो। हम लोग एक्सेल में भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमें पहले लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा। अच्छा है, ये एक्सेल में भी टाइप हो रहा है। तो इसी तरह से आप अपना लैंग्वेज टाइप कर सकते हो। बहुत अलग कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है। गूगल इनपुट टूल आपको बहुत काम आएगा इसके लिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया और अच्छा लगा तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि उसके थ्रू आपको जो भी टेक्नोलॉजी की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपको जो जो भी नए वीडियो में बनाऊंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और भी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।